हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटोरोला का 15 फ्यूजन मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और इस मोबाइल के अंदर अपने जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो है आपको 12256 वाला है जो वेरिएंट आता है। इसमें 8128 में भी वेरिएंट आता है। उसकी रेट करीब करीब आप ऑफर लगा के 20 के समथिंग पड़ता है, ये 23 या 24 के समथिंग पड़ता है अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑफर में खरीदते हो तो। बाकी एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हो। बाकी इस मोबाइल की क्या कंडीशन है और क्या क्या हमें फैसिलिटीज बॉक्स के अंदर मिलने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम लोग वो बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वो पक्का कर लेना। तो चलिए खोलते हैं बॉक्स को और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर हमें मिलने वाला है। सबसे पहले इसके अंदर हमें एक केस मिलती है मोबाइल की, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अपने सोच रहे हैं। नॉर्मल क्वालिटी है, ज़्यादा ठीक ठाक क्वालिटी का है। बाकी ये कुछ कागज है, ये सिम इंजेक्टर है। बाकी बात आती है अब मेन मोबाइल पे। तो मोबाइल को खोलने से पहले अंदर और देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जर मिल जाता है और ये एक चार्जर है वो भी आपको मिल जाता है जो है 68 वोल्ट का, टाइप सी टू टाइप सी। तो चार्जर के अंदर भी टाइप सी है, इधर भी दोनों साइड से टाइप सी है। 5G मोबाइल है। अब बात करते हैं मोबाइल की। तो इस टाइप का मोबाइल है, ये थोड़ा ब्लू कलर के अंदर है, थोड़ा सा वाइट है। फिनिशिंग है वो काफ़ी शानदार है, आप हाथ में भी काफ़ी है वो स्मूथ है मोबाइल है। और वजन भी काफ़ी हल्का है, यहाँ पे देख लीजिए मेरी अंगुली इसके नहीं इसके बराबर इसकी जो है मोटाई है। काफ़ी पतला मोबाइल है और ड्यूल सिम इसके अंदर मिल जाता है, टाइप सी चार्जर है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे ना गौर से तो ये डिस्प्ले है वो क्राउड के अंदर है, हल्की सी, ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है। बाकी इस फोन को ऑन करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर है वो फैसिलिटी है और क्या क्या फोटोज़ हैं। तो वीडियो पर बने रहें। चार्जर इसके अंदर है वो 68 वोल्ट का चार्जर आता है। मैंने जीरो से इसको पूरा 100% चार्ज किया है, जो करीब 29 से 30 मिनट के अंदर है वो फुल चार्ज हो जाता है। तो चार्जर वो क्विकली फास्ट चार्ज होता है। इस फोन के अंदर पीछे जो लेदर आता है उस वजह से आप मार्केट में कहीं पे भी इसके पीछे लेमिनेशन कराना चाहो तो पीछे वो लेमिनेशन नहीं होगा। और लगभग इसका जो ग्लास है वो ऑफलाइन आपको अवेलेबल नहीं मिलता है मार्केट के अंदर, मिलता है तो भी रेयर केस के अंदर एक दो शॉप पे मिल सकता है। बाकी बहुत ही कम चांस है कि इसका ग्लास है वो ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको मिले, जैसा मैंने देखा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। पीछे लेमिनेशन है वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये लेदर है तो इस पर वो चिपकता नहीं है। तो इस टाइप का मोबाइल है, आप इसकी स्क्रीन है वो एकदम अच्छे से देख सकते हो साइड से भी। बाकी कैमरे की बात करें तो आपको कैमरा भी है वो मैं चेक करवा देता हूँ। तो देखिए कैमरे की जो क्वालिटी है वो इस टाइप की है, ये देखिए स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा होगा, मोबाइल में आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा बट इसकी स्क्रीन की जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार। देखिए प्रॉपर मैं इसे मूव कर रहा हूँ इसको, प्रॉपर हो रहा है। कलर में थोड़ा बहुत फ़र्क है, जैसे ये टेबल का जो कलर है वो एक्चुअल में कुछ है, ये थोड़ा सा उसको ज़्यादा दिखा रहा है। जैसे रेड कलर आप वहाँ पे देख रहे हो, रेड कलर का कोई भी आइटम पड़ा है ये इतना रेड नहीं है जितना इस कैमरे के अंदर वो आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में वैसा कलर है नहीं, बट ठीक है कैमरा इस प्राइस के अंदर। और प्रोसेसर भी इसका काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जो रियल कैमरा है पीछे वाला वो 50 मेगापिक्सल का है। दो कैमरे हैं तो ज़्यादा कैमरे भी उसमें नहीं है सेटअप। आगे एक फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है, ठीक है। बाकी मोबाइल है वो काफ़ी स्मूथ है, फिंगरप्रिंट वगैरह और सारा इसका अच्छे से प्रॉपर है वो वर्क कर रहा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा है। इस बजट के अंदर इस प्राइस के अंदर ये मोबाइल है वो आपके लिए बेटर है, बहुत ही शानदार चीज़ है। और वाटरप्रूफ भी मिल जाता है, इसका टेस्ट भी किया गया है, ये फ़ोन है वो वाटरप्रूफ है, आप पानी के अंदर रख सकते हो 30 मिनट तक, ठीक है। तो वैसे कंपनी जो है वो क्लेम नहीं करती अगर वाटरप्रूफ पानी में डालने से अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो कंपनी इसका वो क्लेम नहीं करती। तो लगभग ऑल ओवर रिव्यू आपको दे दिया है, लगभग बढ़िया फ़ोन है इस प्राइस के अंदर। आपकी प्राइस अगर और बढ़ती है तो आप ये फ़ोन ना लें, कोई अदर फ़ोन देख लें। बाकी इस बजट के अंदर देख रहे हो तो अदर कंपनियों के कंपैरिजन में ये मोबाइल बहुत ही बेस्ट है इस प्राइस के अंदर, बहुत ही शानदार फैसिलिटी के अंदर, ड्यूल सिम सपोर्टेड है, 5G फोन है। तो ऑल ओवर रिव्यू दे दिया, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।